गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आज का हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है सरलीकरण। सरलीकरण को ही हम लोग इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। आपको किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता है सोल्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। वो गलती कहां कहां करते हैं आज हम लोग अपना पूरा क्लास में आप लोग देखिएगा कि हम लोग कहां पे किस चीज का यूज करते हैं। जैसे आपको हम देखें, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक, यानी सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को यूज करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मंझली कोष्टक। मंझली कोष्टक का चिन्ह भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या है आपको जानना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या चीज होता है आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन हम लोग कहां, किस जगह, किस चीज को यूज करेंगे सबसे पहले, ये जानकारी आप लोग को पूरी तरह से कंप्लीट आज हम कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को यूज करेंगे, उसके बाद मंझली कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक को यूज करेंगे। लेकिन अब यहां पर देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे कि यहां क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक का मतलब जैसे ब्रैकेट में रहता है, इसके ऊपर में जैसे दे दिए ब्रैकेट में 25, इसके ऊपर में ऐसे करके रहेगा रेखा कोष्टक। उसी तरह से सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक को यूज करेंगे, उसके बाद कोष्टक को यूज करेंगे, उसके बाद का यूज करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। इस सबको हम लोग ऐसे यूज करेंगे। यहां से स्टार्टिंग करना है और लास्ट यहां तक होगा। इसके बीच में जो भी देगा, अब हम थोड़ा इसको और डिटेल में आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या देता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप जो सवाल सोल्व करते हैं आपको तो सोल्व करने के लिए आता है, लेकिन बीच में आप रेखा चिन्ह को ही भूल जाते हैं, किस रेखा को पहले यूज करना है। कभी कर लेते आप घटाव यूज, कभी कर लेते गुना का यूज, कभी कर लेते भाग का यूज, यहीं पे हमारा गलती हो जाता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ट को यूज करते हैं, उसके बाद कोष्ट को, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव का यूज करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे आपको समझाते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको कैसे देगा। यहां पे x माइनस बड़ी ब्रैकेट दिया है, फिर y माइनस ये पे, फिर देखिए दिया है आपका मंझली ब्रैकेट, z माइनस छोटी ब्रैकेट, x माइनस y माइनस z, इसके ऊपर में दिया रेखा कोष्ट, फिर ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट बंद किया, फिर मंझली ब्रैकेट बंद हुआ, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद हुआ, बराबर व्हाट। आपको ऐसा क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सब जो प्रश्न बनेगा हमेशा बोर्ड मास पे बनेगा। आपको याद रखना होगा बोर्ड मास, बोर्ड मास का पूरा यहाँ पे हम लिख दिए हैं। बोर्ड मास से आपको जैसे ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ऐसे करके आपको बोर्ड मास पूरा याद रखना पड़ेगा। अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए, जैसे सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ट को हटाएंगे, जैसे रेखा कोष्ट को हटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह से हमारा क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। रेखा कोष्ट जैसे हट गया, अब यहां पर देखिए माइनस है, ये माइनस से भी इसमें गुना हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड। यहां पे देख लीजिए, यहां पे हम ऐसे करके दे देते हैं, यही है z माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई प्लस माइनस माइनस जेड। अब देखिए यहां पे आपका क्या आया, इसके पहले क्या दिया हुआ है, यहां पे बड़ी ब्रैकेट y माइनस, यहां पे मंझली ब्रैकेट आपको दिया हुआ है, इसके आगे x माइनस दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल हो गया आपका, तो यहां पे हमारा बच गया एक्स माइनस वाई माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट है। अब देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया एक्स माइनस एक्स, तो एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जीरो हो जाएगा। प्रश्न में क्या था, कुछ नहीं था, बस आपको देखना यही चीज था, सबसे पहले रेखा कोष्ट को हटाएं। सबसे पहला स्टेप हम रेखा कोष्ट को हटाएं तो यहां का साइन चेंज हो गया। उसके बाद क्या किए, इस माइनस से सब में हम
गुना कर दिए, उसके बाद किए क्या किए, मझली ब्रैकेट हटाएं तो यहाँ पे y से भी y माइनस है, माइनस से सब में गुना कर दिए, फिर बड़ी ब्रैकेट हटाएं, उसके बाद बाहर में x था, x माइनस था, माइनस से सब में गुना कर दिए, तो हमारा x माइनस x आ गया बराबर जीरो, इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। आपको पता चल गया हम लोग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज किए। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ को हटाएं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट हटाएं, फिर मंझली ब्रैकेट हटाएं, फिर बड़ी ब्रैकेट हटाएं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यदि बोर्ड मास समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हम बताएं यहाँ पे रेखा कोष्ठ जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ ये बंद रहता है, 8 + 9 कितना होगा 17, यानी कि -17 हो जाएगा। 56 में जब 17 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 56 - 17 आपका 39 हो जाएगा। यहाँ पे आपका यहां से यहां तक का आपका मान आ गया 39। अब देखिए 39 + 42 कितना हो जाएगा, 39 + 42 आपको जोड़िएगा तो आपको 39 + 42 81 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का आपका मान कितना आ गया, 81 आ गया। अब यहां पे क्या दिया है, 81 यहां से यहां तक का मान आ गया, तो यहां पे है 1/3 का मतलब गुना 81 प्लस कितना है 108 है। जब 3 से 81 को काटिएगा तो 3 × 6 = 3 × 7 = 21, यानी कि 27 + 108 कितना होगा, 27 + 108 आपका 135 आ जाएगा। अब 135 आ गया, 135 में क्या करेंगे, 222 माइनस करेंगे, 222 माइनस 135 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस करके देखिए 87 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। कैसे कैसे किए यहां फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या किए, ऊपर वाला का चिन्ह को हटा दिए। ऊपर चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे, 8 + 9 कितना होगा 17, ये माइनस नहीं है, माइनस बाद में देखेंगे, पहले यहां पर क्या है, जैसे मान के चलिए बंद है, 8 + 9 कितना होगा 17, -17 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह आ गया है तो -17, 56 में 17 माइनस किए तो क्या हो गया 39, तो यहां से यहां तक का मान आपको 39 आ गया। अब देखो 39 + 42 किए तो कितना आ गया 81, यहां से यहां तक का मान आपको 81 आ गया, प्लस 108 यहां पे दिया है, इसके पहले क्या दिया 1/3 का मतलब गुना, तब 3 से 81 को काटे 27 बार में तो क्या हो गया हमारा 27 + 108 किए तो कितना हो गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा 27 + 108 कितना हो गया आपका 135 हो गया। इसके आगे क्या दिया है 222 माइनस कर दिए 135 माइनस किए तो 87, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यही आपका बोर्ड मास से बनता है, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, तब इसी तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा, सब प्रश्न को आप खुद सोल्व कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहां पे प्रश्न दिया है, सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे यहां पे पहले भाग का हम काम कर ले, लेकिन आपको हम बताएं बोर्ड मास में सबसे पहले का हम लोग काम करते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है आपको, जैसे 9 - 11 = 33 36/11 हो जाएगा, का मतलब गुना 11/9, भाग का चिन्ह है 7/9 का 36/7, 7 × 35 36/7 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 11 से 11 कैंसिल हो गया हमारा, 9 से हमारा 4 बार में 36 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 4 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा 36, तो हमारा यहाँ क्या बच गया 9 - देखिए यहाँ पे 4 बचा है, भाग 4। अब देखिए 4 को जब 4 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 9 में 1 माइनस कीजिएगा तो हमारा 8, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 8 हो गया। कितना जल्दी आप प्रश्न को सोल्व कर लिए प्रश्न में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन इस प्रश्न में यहाँ ध्यान दीजिएगा हमेशा, सबसे पहले आप क्या भाग का काम नहीं कीजिएगा, काम कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पूर्णांक 3/11 था तो 11 + 33 + 3 कितना हो गया 36/11, उसी तरह से यहाँ पे दिया था 1 पूर्णांक 2/9 यानी कि 9 × 2 = 11/9 हो गया, उसी तरह 5 पूर्णांक 1/7 7 × 35 = 36/7 हो गया। बस सिर्फ कैलकुलेशन किए और कुछ किए नहीं, लास्ट में भाग का काम किए, 4 में 4 भाग दिए तो 1 हो गया, तो 9 में हम 1 माइनस किए तो कितना 8 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का आप लोग काम कर सकते हैं। छोटी ब्रैकेट में देखिए 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 5 बार में 25, 11 से 4 बार में 44 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया,
तीन बटे दो गुने ग्यारह बटे पांच। अब देखिए भाग में क्या आया है, पांच बटे चार भाग में है, जब इसको हम गुना में करेंगे तो चार बटे पांच हो जाएगा, पलट जाएगा, यह भी पलट जाएगा, गुना में करेंगे तो पंद्रह बटे तैतीस हो जाएगा। पांच से तीन बार में पांच थी या पंद्रह। अब देखिए यहां पे फिर हमारा कैंसिल क्या क्या होगा, दो से हमारा दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तीन से हमारा ग्यारह बार में कैंसिल हो जाएगा, ग्यारह से ग्यारह कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहां पे क्या बच गया, तीन दूना छह बटे पांच, यहां पे हमारा छह बटे पांच बच गया, तो छह बटे पांच को आप क्या लिख सकते हैं, एक पूर्णांक एक बटे पांच। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका एक पूर्णांक एक बटे पांच आ जाएगा। यहां पे प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग को आप थोड़ा प्रश्न समझने लगा होगा कि प्रश्न कैसा कैसा प्रश्न आ सकता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया है, ध्यान दीजिएगा, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे वन पूर्णांक तीन बटे फाइव प्लस वन पूर्णांक टू बटे सेवन प्लस वन पूर्णांक वन बटे फोर बराबर व्हाट। अब इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको हम एकदम आसान तरीके से इसको सोल्व करना सिखाएंगे। सबसे पहले आगे में जितना है सबको प्लस कर दीजिए, यदि प्लस है तो प्लस कीजिएगा, यदि माइनस है तो माइनस कीजिएगा। कितना है, वन प्लस वन प्लस वन, कितना, एक प्लस दो तीन, टोटल कितना तीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीन लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या क्या बच गया आपको, तीन बटे पांच प्लस दो बटे सात प्लस एक बटे चार। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि आप पांच सात चार का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। एलसीएम आपका 140 आ जाएगा, पांच को 140 से भाग दीजिए, फिर क्या कीजिएगा, तीन से आप गुना कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, पांच से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। फिर 28 को तीन से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 84 आ जाएगा। कितना आ गया, 84। उसी तरह से सात 140 में सात से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, ये 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। उसी तरह से फिर हम इसको करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए टोटल को जोड़िए, 84 प्लस 40 प्लस 35 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 159 बटे 140। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 140 से हमारा कितना बार में कट जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा तीन प्लस एक पूर्णांक 19 बटे 140, 159 बटे 140 को हम क्या लिख सकते हैं, एक पूर्णांक 19 बटे 140, तो टोटल हमारा हो गया तीन एक चार, टोटल चार पूर्णांक 19 बटे 140। इस प्रश्न का राइट आंसर आ, चार पूर्णांक 19 बटे 140 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। कैसे सोल्व किए आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि आगे पांच छह आठ दस या माइनस कुछ भी हो, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, आगे वाला सब काम जोड़ दिए तो टोटल तीन हो गया। फिर तीन बटे पांच, दो बटे सात, एक बटे चार, टोटल का एलसीएम नहीं 140, जब इसको हम सोल्व किए तो टोटल हो गया 159 बटे 140। 140 से क्या है हमारा, ज्यादा है तो हम भाग दिए तो टोटल एक पूर्णांक 19 बटे 140 हो गया, आगे में प्लस तीन था तो टोटल हो गया तीन एक चार पूर्णांक 19 बटे 140। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। बस कभी भी आपको ऐसा प्रश्न अगर दिखने प्रश्न में मिले एग्जाम में तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, क्योंकि सबसे आसान सबसे बेस्ट तरीका यही है आपको सोल्व करने का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जैसा क्वेश्चन अभी हम पिछले क्वेश्चन को पढ़ाएं, सेम क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस दोनों दिया गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लस नाइन है, माइनस नाइन है, प्लस नाइन और माइनस नाइन क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेवन बचेगा, तो यहां पे प्लस सेवन हो जाएगा, बच गया यहां हमारा तीन बटे चार प्लस दो बटे सत्रह, और हम माइनस कर देते हैं एक बटे पंद्रह। पहले हम ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, जो आपको आसान हो जैसे वो कर सकते हैं। आप हमारा स्टेप यहां तक था समझाना आपको, उसके बाद जैसे ही सिर्फ कैलकुलेशन है आपका, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सत्रह चौके अड़सठ हो जाएगा। अब देखिए यहां अड़सठ में क्या करेंगे, हम चार से भाग देंगे तो यहां हो जाएगा इक्यावन प्लस सत्रह चौके अड़सठ, चार दुनिया आठ, माइनस एक बटे पंद्रह, सात प्लस इक्यावन हो, यही हो जाएगा हमारा उनसठ बटे अड़सठ, माइनस एक बटे पंद्रह, यही बचा हमारा। अब यहां से इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहां पे हो जाएगा सात प्लस, यहां पे सात प्लस
68 और 15 को जब गुना कीजिएगा टोटल एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 1020 यहां माइनस का चिन्ह ध्यान दीजिएगा 68 और 15 का टोटल एलसीएम लिए हमारा 1020 हो गया। अब इसको क्या किया ये तो आपका हाथ का है चलिए कुछ है नहीं 7 प्लस इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा तो 7 पूर्णांक 817 बटे 1020 इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका। क्या किया यहां ध्यान दीजिएगा प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल हो गया खत्म हो गया बचा 7 7 प्लस 3 बटे 4 प्लस 2 बटे 17 माइनस 1 बटे 15 पहले प्लस वाला का काम कर लिए तो टोटल आ गया हमारा 59/68 माइनस 1 बटे 15 किए 68/15 का एलसीएम लिए 1020 हो गया। बस इसको हम सोल्व किए 817/1020 माइनस करके तो 7 पूर्णांक 817/1020 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। बस प्रश्न यही है हमारा यहां तक स्टेप था आपको समझाना क्योंकि यहां पे कैसे इसको हम सोल्व करते हैं उसके बाद सिर्फ आपका हाथ में कैलकुलेशन बचता है इसलिए आपको बोले थे कभी भी इसमें सिर्फ हमारा जो होगा कैलकुलेशन का खेल होगा। कैलकुलेशन यदि आपका फास्ट हो गया तो ये सब प्रश्न आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी हम तो स्टार्टिंग ही किए फर्स्ट क्लास ही आज हमारा। अभी ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं ध्यान दीजिएगा टोटल कितना है 11 + 3 कितना हो जाएगा 14 + 15 15 में 2 माइनस कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आगे लिखिएगा 13 प्लस बच गया हमारा 8/9 बच गया 2/7 माइनस 1/7 प्लस 1/6 यही है। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं यहां पे देखिए 7 वाला एक जगह हम कर देते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं यहां पे डायरेक्ट 1/6 1/6 प्लस 2/7 माइनस 1/7 हम ऐसे लिख दिए। तो इस थोड़ा आसान करने के लिए यहां पे ध्यान दीजिएगा इससे क्या फायदा होगा 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा यदि 9 और 6 का एलसीएम आपसे पूछें तो 3 × 9 = 3 × 6 × 3 = 9 = 18 हो जाएगा टोटल एलसीएम यहां पर 18 हो गया 9 × 2 = 18 + 8 = 16 प्लस 6 × 3 = 18 प्लस यहां पे दोनों 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 13 प्लस टोटल हो जाएगा हमारा यहां पे 19/18 प्लस 1/7 अब यहां पे सोल्व कीजिए टोटल 13 तो है 13 रहेगा ही प्लस 18 को 7 से गुना कीजिएगा 18 × 7 कितना होता है 126 126 हो गया फिर 19 × 7 टोटल हो गया 18 7 बार में 19/18 + 1/7 था 18 और 7 का एलसीएम लिए टोटल 126 हो गया तो टोटल एलसीएम लेके हम क्या किए 133 + 18 तो टोटल जोड़े 151/126 अब 126 से भाग दिए 151 में एक बार में लग गया 1 × 2/126 हो गया तो टोटल हम आंसर क्या कर सकते 13 × 1 = 14 टोटल 14 = 25/126
इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। कितना आ गया? 14.25/126। क्या किए प्रश्न में आपको पता है, हम स्टार्टिंग से जो प्रश्न आपको बता रहे हैं सेम प्रश्न आपको दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस किए, माइनस है तो माइनस किए, उसके बाद सिर्फ क्या बोले हम, कैलकुलेशन का खेल है। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोग का कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना जल्दी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं।